दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपको मेरे इस नए वीडियो में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और सुखी होंगे। तो दोस्तों आज है 2 दिसंबर, तो चलिए आज बिगनिस्का का फीस पे कर देते हैं। है ना, लेट करने से कोई मतलब नहीं है। हर महीने की वैसे भी मैं जितना जल्दी हो सके फीस पे कर देता हूँ, कोई मतलब नहीं होता समय बर्बाद करने से, तो आज फीस पे कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फीस पे कर देते हैं। तो ये है फीस का रिसिप्ट बुक, तो चलिए फिल करते हैं। तो दोस्तों आज है 2 दिसंबर 24, नेम्स भिग्नेश का रगड़े, सेक्शन बी 4180 4180, सिग्नेचर ऑफ डिपॉजिटर 02-12-24 बिग्नेश का रगड़े, सेवेंथ 4180 सी फोर थाउजेंड वन हंड्रेड एटी। अब UTR भी लिख देते हैं। तो भिग्नेशा के स्कूल में माई सेल्फ पर 10 पॉइंट बोलना है, तो देखते हैं भिग्नेशा बोल पाते हैं कि नहीं। तो भिग्नेशा बोलिए माई सेल्फ पर 10 पॉइंट। हेलो गुड आफ्टरनून, माय नेम इज भिग्नेशा रगड़े, आई एम 9 ईयर ओल्ड, आई स्टडी इन क्लास 4, माय फेवरेट सब्जेक्ट इज मैथ्स, आई लाइक टू प्ले चेस, आई लाइक टू ईट केक चॉकलेट आइसक्रीम बट मोस्ट लाइक आइसक्रीम। माय हॉबी इज drawing. I want to become a lawyer. My birthday comes on 11th April. I love my family very much. Thank you everyone to give this time introduce me. दोस्तों हम आ चुके हैं वाइडनर की अकाउंट ऑफिस में और यहाँ पर हम ये रिसिप्ट बुक जमा करेंगे और फिर चेक करेंगे अकाउंटेंट सर, सब कुछ ओके रहेगा तो सील मारकर हमें वापस करेंगे। देखिए सब कुछ ओके है, इसलिए सील मारकर हमें वापस किया जा रहा है। दोस्तों भिग्नेशा का फीस पे करके मैं आ चुका हूँ घर। तो गौ माता आई हुई है, उनको रोटी दे देते हैं। दोस्तों चलिए देखते हैं, ले ठीक है। कहाँ है चिंटू? चिंटू 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 तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा चिंटू यहाँ पर बैठा हुआ है, काफ़ी देर से बैठा हुआ है ना। चिंटू घूम लिया ना बेटा, पूरा गार्डन घूम चुका है, तो अब इसको हम लोग बंद कर देते हैं। दोस्तों चल बाबू अंदर हो जा। ए बेटू चिंटू बाहर बाहर क्यों भाग रहे? भाग रहे, चल ऊपर चढ़ जा, चल बंद होना है तेरे को, घूम लिया बहुत, चल ऊपर। तो दोस्तों चिंटू को मैंने बंद कर दिया है, मोबाइल पकड़ के उसे पकड़ना बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए मोबाइल रख के मैंने उसे पकड़ा और बंद कर दिया हूँ, अब वो सीधा शाम को ही खुलेगा। तो दोस्तों भिग्नेशा स्कूल से आ चुकी है और आप देख सकते हैं ये स्कूल से आने के बाद क्या कर रही है, दिखाऊं मैं आप लोगों को? देखो स्कूल से आने के बाद डायरेक्ट इसका मोबाइल स्टार्ट हो जाता है और ये देखिए इसने जो ये बॉडी वार्मर अभी हमें नया ख़रीदा है, ये देखो
ये छोटा हो गया है ना, ये कैपरी बन गया है। तो इसको ना हमेशा ना कोई भी कपड़ा हम लेते हैं तो इसकी एज 9 ईयर है, लेकिन हम बता कर लेते हैं 11 ईयर, उसके बावजूद देखो इतना छोटा हो गया। अब इससे बड़ा लेंगे, ये 75 नंबर है दोस्तों, अगर 80 नंबर 80 नंबर का लेंगे ड्रेस तो ये ऊपर का जो है ये ढीला आएगा इसको। और ये देखो ये अपनी मम्मी का हैप्पी को पहन ली है, इसको पूरा आ जाता है। तो माँ हाँ आज माँ इस सेल्फ का अच्छे से बताई, अच्छे से बताई, डर लग रहा था, फिर भी से बताई, बताती। अच्छा गुड। तो दोस्तों आप देख सकते हैं विघ्नेश का स्कूल से आकर स्नैक्स खा रही है, क्योंकि स्कूल में काफ़ी समय रहने के बाद स्कूल से घर जब आओ तो थोड़ा भूख लगती है, इसलिए हल्का सा स्नैक ले रही है। स्नैक में क्या है ये देखो, पराठा खा रही है, थोड़ा सा इसको राहत मिल जाएगा। और ये देखो ये मोबाइल देखती रहती है बस, उसके बाद अपना होमवर्क करेगी 7 बजे से 8 बजे तक। तो ठीक है, करना है होमवर्क है ना, हाँ हाँ ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय।